क्विज़ कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के शहर कोहाट में बच्चों के लिए हस्पताल की तमीर के लिए कोशिशें तेज कर दी। शाहिद अफरीदी हस्पताल की तमीर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए कनाडा पहुंचे हुए हैं, जहां वो पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी से मुलाकातें कर रहे हैं और मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। वीर उन्होंने इस्लामिक रिलीफ फंड कनाडा के डिनर में भी शिरकत की और कोहाट हस्पताल के लिए चंदा इकट्ठा किया। व्यूज़ कैनेडी वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रेडो मसरूफियात के बायस इस्लामिक रिलीफ फंड के डिनर में तो शरीक ना हो सके, ताहम उन्होंने शाहिद अफरीदी के लिए खसूसी पैगाम भिजवाया जो तकरीब में पढ़कर सुनाया गया। व्यूज़ जस्टिन ट्रेडो ने अपने पैगाम में कहा कि यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं आपको इस्लामिक रिलीफ फंड कैनेडा की जानब से मुनक़द किए जाने वाले सालाना फंड रेजिंग डिनर में खुश आमदीद कह रहा हूँ। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कनाडा की तरक्की की बुनियाद इसके माशरे में पाया जाने वाला तनू है। यही वजह है कि कनाडा में बसने वाली तमाम कौमें बशमूल मुसलमान इसकी तरक्की और बेहतरी के लिए मिलकर काम करते हैं। आज हम सबसे यहां पाकिस्तान में बच्चों के लिए एक हस्पताल की तमीर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए जमा हुए हैं। आपकी जानब से इस डिनर में शमूलियत और आपका चंदा कैनेडियन शहरी होने का मुँह बोलता सबूत है। व्यूज़ कैनेडी वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रेडो की जानब से पैगाम भेजने पर शाहिद अफरीदी ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि कनाडा अजीम लोगों का मुल्क है। उन्होंने इस्लामिक रिलीफ फंड और पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी का शुक्रिया भी अदा किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।